गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस आज बहुत दिनों में वीडियो आ रहा है। गाइस आज हम अपने जो गार्डन का वीड्स है उन सभी को निकालने वाले हैं और ये रहे मेरे सभी गार्डनिंग टूल। और गाइस वीडियो ना आने का कारण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी जो ना तो मैं प्लांट्स लगा रहा हूँ ना इनका कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो मेरा न्यू टेरेस रेडी होने वाला है तो उस पर मैं इनको ट्रांसप्लांट करूँगा और इसको थोड़ा खाली करूँगा, क्योंकि इस पर कुछ मकान का वर्क है वो होने वाला है इसकी वजह से। तो मैं इस पर अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बाकी का जो वीड्स ज़्यादा हो गया है आज हम उनको क्लीन करेंगे, क्योंकि आप सभी प्लांट्स में देख सकते हो कितने सारे वीड्स हो गए हैं। तो चलिए आज इनको निकालने वाले हैं। एंड गाइस वीडियो में एंड तक बने रहना और गाइस चैनल पे एक्टिव भी बने रहना। इस चैनल को भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाना है। बाय द वे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली वीड्स निकालने के लिए हम ये वाला टूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं अकेला ही हूँ अभी, सो आपको हैंडल करना है थोड़ा सा। सिंपली अभी आपको हल्के हल्के हाथ से इसको निकालना है कुछ इस तरीके से, ये आराम से निकल जाएगा। और ये मेरे सभी जेड प्लांट की कटिंग है और अभी आप इसकी येलो लिप्स देख सकते हो, क्योंकि गाइस अभी बारिश के कारण ये येलो लिप्स इसमें हो रही है। तो आपको थोड़ा इसको सेट प्लेस पे रखना है जहाँ पे इस पर ज़्यादा बारिश ना पड़े। और अभी इसका कटिंग लगाने का बहुत ही अच्छा टाइम आ गया है। जो बिगनर है वो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग्स हैं वो लगा सकते हैं। सो इसकी कटिंग है वो लगाना है। अगर आपको सीखना है, आपको वीडियो चाहिए सो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और कुछ मैंने न्यू प्लांट्स हैं वो मैंने तैयार किए हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, जल्दी जल्दी स्वीट्स को निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। और गाइस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना अगर वीडियो अगर पसंद आए तो, ठीक है। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मेरे को वो कमेंट करके भी बता देना। और जल्दी नर्सरी का वीडियो भी आने वाला है, आप बताइए मुझे किस प्लांट पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। सो गाइस मैंने सभी प्लांट का वीट निकाल दिया है और ये बचे कुछ पर्सलैन पर्चुला का जो कि इधर है, मॉस रोज भी इसको बोलते हैं। इसमें कुछ इनको पूरा निकालना पड़ेगा गाइस तब निकलेगा। और अभी देख सकते हो इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी आने लगे हैं कुछ इस तरीके के, देख पा रहे हो आप ये, है ना। और कुछ इसमें तीन चार कलर अवेलेबल है, कुछ राइट वाइट सब कलर है इसमें। और इधर कुछ गुलाब है, इसमें अभी वीड्स उग रहा है क्योंकि इसको मेरे को निकाल के डबल से मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। और ये है मेरे अपराजिता का प्लांट और इसमें बहुत ही अच्छा फ्लावर आना स्टार्ट हो गए हैं अभी, और इसकी बेल भी चलना स्टार्ट हो गई है। अपराजिता के मेरे पास कई सारे कलेक्शन है, ठीक है। और इधर तो देख सकते हो ये गुलाब था मेरा जो कि मैंने एक ड्रम में लगाया हुआ था, तो अभी मैं इसको निकाल के कुछ इस तरीके से फेंक दूंगा इसको और इसमें कुछ और प्लांट्स लगा दूंगा। और इधर है मेरे एमर लिली, रेन लिली जो आप बोलते हो इसको, तो इसमें भी कुछ वीड्स उगा हुआ है सो मैं इसको निकाल दे रहा हूँ ये कुछ इस तरीके से। और गाइस अगर आपको पानी आपके इधर एक दो दिन के लिए बंद हो जाता है तो आप इसकी गुड़ाई करके इसमें थोड़ा सा आपको DAP के दाने डाल देना है। जो भी आपके परमानेंट प्लांट है या रेन लिली है या मेर लिली है, जो भी आपके सीजनल प्लांट है उनमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अगर आपको नहीं पता है कि इनमें क्या डालना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। और अभी देख सकते हो इनको सभी को मैंने डिवाइड करके तब लगाया था इसमें, तो बहुत अच्छी से अभी इसकी जो ग्रोथ है वो अभी निकल के आने लगी है कुछ इस तरीके से। अभी मैंने इनमें फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी दो चार बार और अच्छे से बारिश हो जाए तो ये प्लांट है जो येलो लिप्स वगैरह का प्रॉब्लम है या फंगिसाइड का अटैक है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा इस पर से, तो मैं इसको हटा दूँगा। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।